नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में 8 अक्टूबर 2018 को गांधी जी 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पर्व का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध लोक गायिका राज्य स्टार विजय भारती भोजपुरी लोकगीतों में आज़ादी के तराने की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मंच संचालन वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह ने किया। इस मौके पर समाज सेवी राजेंद्र चड्ढा, संपादक ओंकारेश्वर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र और RJS प्रमुख उदय कुमार मन्ना सहित RJS भारत की मीडिया टीम, दीनदयाल, रेशम दयाल, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, प्रखर वाशने, संजय माही और ब्रह्मानंद झा भी मौजूद रहे। गांधी पर्व कार्यक्रम में मंच संचालन वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह जी ने किया। महान सपूत भारत माता के, राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, और हमें यकीन नहीं होता कि ऐसी एक पर्सनालिटी, ऐसी विभूति, ऐसे मानव ने इस धरा पर जन्म लिया जिनके पीछे पूरा भारत एक साथ चल पड़ा था। सिर्फ एक लाची उनके हाथ में थी, एक धोती उनके शरीर पर था। हम लोगों ने अपने जीवन में, मैंने खास करके यही मकसद रखा है कि बिल्कुल सही लीक पर गाते चलें, पारंपरिक धरोहर को बचाते चलें। अपने भी मैं रचना करती हूँ, लेकिन मेरी रचनाएं भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल माटी के करीब के गीत रचें। और इस माध्यम से मैं, मेरे साथ कुछ और कलाकार जो मेरे श्रेणी में हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और उन सब कलाकारों के साथ मैं आने वाली पीढ़ी को, आज के जो नए कलाकार पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सब से यही निवेदन करूंगी कि कभी भी अश्लीलता का मार्ग ना अपनाएं और अपने पारंपरिक गीतों को बचा कर चलें। गांधी पर्व के बारे में क्या कहना? गांधी पर्व एक बहुत बड़ा सुखद पर्व है, और ये वक्त, ये साल, ये पर्व आया है तो हम बहुत खुश हैं। महात्मा गांधी जी का अमूल्य योगदान हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए रहा है, और उनको हम उनके 150वें साल पर याद कर रहे हैं और इस तरह से पर्व मना रहे हैं, जिसका बहुत महत्व है। और मैं ऐसे पर्व का हिस्सा हूँ, गाकर अपने अलग अलग मंचों पर, तो मुझे बहुत, मेरा सौभाग्य है कि मैं इससे जुड़ी हूँ। जो लोग लोकगीत के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, लोकगीत की तरफ अपना एक करियर अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? मैंने उनके लिए यही कहा कि कैरियर अगर वाकई में अच्छा नाम और अच्छा काम करना है तो अच्छी दिशा में काम करें, अच्छे गीत गाएं, पारंपरिक गीतों को सहेजें, बड़ों से सीखें और तब आगे बढ़ें। इस देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों की तरह कलाकारों ने भी जान जोखिम में डालकर गांव-गांव और शहर-शहर आज़ादी के गीतों और लोकगीतों के माध्यम से आज़ादी की अलग जगाते थे। आज बुराइयों और कुरीतियों तथा गरीबी से आज़ादी के लिए भी कलाकारों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है।